बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपको अल्केन का नमन क्लेचर, अल्कीन अल्काइन का ये अच्छी तरह समझाया था क्लास में। इनको अल्केन्स या इनको हम पैराफिन आपको पढ़ाया था। पैराफिन मतलब इनकी अफिनिटी रिएक्शन करने की सलाहियत बहुत कम होती है। ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटमों पर मुश्तमिल होते हैं। कि इनमें या कार्बन है या हाइड्रोजन, तीसरा कोई एलिमेंट नहीं होगा। इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2। और इन कंपाउंड में यह खास बात है कि कार्बन कार्बन तमाम बॉन्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हैं, यानी कि कार्बन की चारों वैलेंसीज जो हैं ये सिंगल बॉन्ड के जरिए सेटिस्फाई होती हैं, या दूसरे कार्बन के साथ या हाइड्रोजन एटम के साथ। कोई इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, तो इसका मतलब है कोई और एटम इसमें ऐड होने की गुंजाइश नहीं है। इस वजह से इनको हम कहते हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सबसे स्मॉल मेंबर, सिंपल मेंबर इसका मीथेन है। बाकी इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन जो आपको बताया गया है। और हर कार्बन एटम अल्केन में, चूंकि सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड है, लिहाजा हर कार्बन एटम के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। नेक्स्ट है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसमें हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड मतलब जिनमें या डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड, ये हाइड्रोजिनेशन करनी है। ये नाम पे गौर करें, हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ये रिएक्शन है सबेशर सेंडेंस रिएक्शन। तो चाहे आप अल्कीन अल्कीन या अल्काइन, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, अगर आप हाइड्रोजिनेशन करेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की शक्ल में ऐड करेंगे, किसकी मौजूदगी में, निकल की मौजूदगी में, एट अ टेम्परेचर ऑफ 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये किस में कन्वर्ट होगा, ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे ऐड होगा, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे ऐड होगा, तो ये CH से क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और ये CH2 में एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। इस तरह अल्कीन अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब जो है ये R, R की जगह आप कोई भी अल्काइल ग्रुप यूं चेन को बढ़ा सकते हैं। तो इसके नीचे जो एग्जांपल दी गई है, इसमें सिर्फ दो कार्बन एटम की अल्केन ली गई है, इथीन। सेम उसी पैटर्न पर हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसका एक एटम इस कार्बन के साथ अटैच होगा, एक एटम इधर हो जाएगा, तो ये CH2 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH3। तो इधर भी CH3 हो जाएगा, इधर भी CH3, इथेन बन जाएगी। ये निकल के साथ आप हीट करते हैं, लेकिन अगर आप प्लेटिनम या प्लेडियम यूज करते हैं तो फिर यही काम रूम टेम्परेचर पर हो सकता है। लेकिन ये हम कम इस वजह से प्लेटिनम प्लेडियम यूज करते हैं कि ये निकल की निस्बत महंगी है, एक्सपेंसिव है। इसकी आपने इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ध्यान में रखनी है कि वेजिटेबल घी जो है ये हम हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल के जरिए हासिल करते हैं, यानी कि एक तरह से आप समझ लें कुकिंग ऑयल से वेजिटेबल घी बनाते हैं, क्योंकि ऑयल अनसेचुरेटेड फैटी एसिड पर मुश्तमिल होता है, डबल बॉन्ड होते हैं, और वेजिटेबल घी जो है ये सेचुरेटेड होता है। ये एक इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है फ्रॉम अल्काइल हेलाइड। अल्केन बनाने का एक तरीका अल्काइल हेलाइड से भी है। अल्काइल हेलाइड जिसमें अल्काइल ग्रुप होगा और हेलोजन होगा, इनको हम बोलते हैं अल्काइल हेलाइड। दो इसमें हैं ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप और एक हेलोजन। इनका आप जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो जिंक मेटल जो है ये जिंक यहां से एक्स और एक्स को अपने साथ मिला लेगी, जिंक हेलाइड बन जाएगा, और ये हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप को वापस मिल जाएगी, जिससे ये बन जाएगी अल्केन। जैसे ये एग्जांपल दिया मिथाइल आयोडाइड के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो आप देखिए मिथाइल CH3, यहाँ से ये हाइड्रोजन मिला लेगा, CH4 बन जाएगा जिंक, और ये दोनों आयोडीन, तो ये बन जाएगा जिंक आयोडाइड। तो मेजर प्रोडक्ट हमारी बनी CH3 और हाइड्रोजन CH4। अगर आप यहाँ पर देखें 2-ब्रोमो-ब्यूटेन, एक एग्जाम्पल और दी है, आप इसमें जेन में सिर्फ ये रखेंगे कि जिंक ने अपने साथ दो हेलोजन मिलाने हैं, एक हेलोजन ये और एक हेलोजन ये, तो इस तरह जिंक ब्रोमाइड बन जाएगा। ये यहाँ पे गलती है, ZnBr2 होना है जिंक ब्रोमाइड, और लास्ट जो है इसको हाइड्रोजन मिलेगा CA2, CA3, CH2, CH2 और CH3 बन। एल्केन को आप अल्काइल हैलाइड से पैलेडियम चारकोल एज अ कैटलिस्ट यूज करते हुए भी बना सकते हैं,
और इस मेथड को हम कहते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस। वजह क्या है कि हाइड्रोजिनेशन तो है लेकिन अलॉन्ग टूगेदर विद द बॉन्ड क्लीवेज बॉन्ड भी टूटता है, लिहाजा हम इसको कहते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस। जैसे ये यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये आर एक्स, इसके साथ ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, आर एच बन जाएगा और एच और एक्स मिलकर एच एक्स बन जाएगा। प्लेडियम चारकोल के साथ हिट किया तो अब इसमें बॉन्ड क्लीवेज भी हो रही है यहाँ पर, तो हम इसको कहते हैं कि ये हाइड्रोजिनोलाइसिस है। तीसरा मेथड है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब यही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है हमने खत्म करना है। डी का मतलब है रिमूवल, कि हमने उसको तबाह बर्बाद कर देना है। इसके आगे दो मेथड है, एक है कि अगर आप सोडियम साल्ट फैटी एसिड का लेते हैं और उसको आप हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम बनाने का तरीका क्या है कि आप भिगोएंगे क्विक लाइम, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, कि इसके अंदर कास्टिक सोडा सोल्यूशन NaOH के सोल्यूशन के अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के अंदर, और जो प्रोडक्ट हासिल होगी उसको आप ड्राई करेंगे, तो इस तरह हमारे पास बन जाएगा सोडा लाइम। तो जब सोडा लाइम के साथ आप सोडियम साल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है ये हीट करते हैं, तो रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट ये निकलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वो कार्बोनेट की शक्ल में हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। जैसे यहाँ पर आप सोडियम साल्ट किसी भी जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड का आप देखें तो ये Na और Na, Na2 और C1 2 और ये 3, Na2CO3 अलग हो जाएगा, R और H बन जाएगा। इसमें मेन चीज ये आप नोट करेंगे कि यहाँ पर जितने भी ये यहाँ पर कार्बन एटम हम काउंट करेंगे, अल्काइल ग्रुप के अलावा भी एक कार्बन है जो कि कार्बोनेट की शक्ल में निकल गया है। इसका मतलब है अल्केन के अंदर कार्बन एटमों की तादाद कार्बोक्सिलिक एसिड से एक कम हो जाती है। इनकी अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में यहाँ पर देखें, ये कार्बन है और अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे सिर्फ अल्काइल ग्रुप है क्योंकि कार्बन कार्बोनेट की शक्ल में चला गया है। इसका मतलब है अल्केन के अंदर कार्बन एटमों की तादाद एक कम हो गई है स्टार्टिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये Na2CO3 अगर आप अलग कर लें, ये Na और ये दूसरा Na और ये ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा और ये तीसरा, तो Na2CO3 अलग हो जाएगा और बाकी बनेगी अल्केन, ये R और ये H। अगर हमारे पास तीन कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1 2 3, तो Na2CO3 इसमें से अलग करते हैं, Na2CO3, तो ये CH2 को ये वाला हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो इस तरह हमारे पास बन जाएगी इथेन। और आप देख लें यहाँ पर कितने कार्बन एटम है, दो है, और स्टार्ट में कितने थे, तीन थे। इसका मतलब है स्टार्ट से एक कार्बन एटम जो है ये एल्केन में कम हो जाता है। दूसरा इसमें मेथड आता है कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इसमें हम क्या यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यूज करते हैं सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का, और इसमें से करंट गुजारते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो एल्केन हासिल होती है। इसमें जो एल्केन हासिल होती है हम आगे देखते हैं मैकेनिज्म में भी कि सिमेट्रिकल एल्केन है, यानी कि आर आर टाइप है। क्यों, क्योंकि अल्काइल ग्रुप डबल हो जाता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एक और दूसरे मॉलिक्यूल का दो, तो इस तरह यानी कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड दो कार्बन एटम का है तो अल्केन चार की हो जाएगी, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड तीन कार्बन का है तो अल्केन छह की हो जाएगी। जाहिर है जब हम डबल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कम अज कम इथेन होनी चाहिए, इथेन से कम वाला हम इसमें अल्केन नहीं बना सकते, मिथेन हम नहीं बना सकते। इसके मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो अगर हमारे पास पोटेशियम साल्ट है एसिटिक एसिड का, यानी कि पोटेशियम एसिटेट या पोटेशियम एथेनोएट भी इसको आप कह सकते हैं, अगर हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो सबसे पहले हम इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे, पोटेशियम एसिटेट आयोनाइज होगा पोटेशियम आयोन में और एसिटेट आयोन में, एसिटेट आयोन नेगेटिव आयोन है तो ये माइग्रेट करेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ, और जो पोटेशियम आयोन है पॉजिटिव आयोन है ये हम देखते हैं ये इनको मूव करना चाहिए किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, लेकिन इससे भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वाटर का, ज्यादा वाटर के एच प्लस कैथोड की तरफ जाते हैं। तो ये एसिटेट आयोन जो मूव करते हैं एनोड की तरफ तो वहां पर ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और एसिटेट फ्री रेडिकल बनता है जो डिकम्पोज हो जाता है मिथाइल फ्री रेडिकल में, और इस तरह जो है
कार्बन डाइऑक्साइड साथ खारिज होती है, और ये दो मिथाइल फ्री रेडिकल CA3 एक कार्बोक्सिलिक एसिड का और CA3 दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये मिलकर हमारे पास बनाते हैं इथेन। यहाँ से आप ये देख सकते हैं, ये पोटेशियम एसीटेट या पोटेशियम एथानोएट है। ये सिंपल वाटर के जरिए जो है हमने सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाया है, इसकी आयोनाइजेशन हुई है, ये नेगेटिव आयोन बना है जो कि जाएगा एनोड के ऊपर, लिहाजा इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एन आयन है। ये नेगेटिव है, ये बना एन आयन, पॉजिटिव है तो ये बना केट आयन। तो अब ये एन आयन ये एनोड के ऊपर जाएगा, एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, बेहतर है आप यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस की जगह ऑक्सीडेशन लिखिए, यहाँ पर ऑक्सीडेशन लिखेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एक, ये क्योंकि दो ग्रुप है लिहाजा दो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, वरना एक आयोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और ये ऑक्सीजन के पास किसका, अगर आप आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन देखें तो ये ओ नेगेटिव के पॉजिटिव का मतलब है कि बॉन्ड बनते हुए पोटेशियम ने अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को कंप्लीट दिया हुआ है, तभी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर ये ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो इसका मतलब है ऑक्सीजन के पास सिर्फ अपना अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया है जो ये बॉन्डिंग में यूज कर सकता है, लिहाजा अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है, सिर्फ डॉट लगाएंगे और इसको हम कहेंगे ये एसीटेट फ्री रेडिकल है। ये एसीटेट फ्री रेडिकल जो है ये आगे फर्दर डिकम्पोज होता है, ये देखें जरा, ये जरा हम देखते हैं डिकम्पोज कैसे होता है। ऑक्सीजन के पास ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन से कहता है भी हम इधर डबल बॉन्ड बना ले, तो यहाँ पर भी ये देखें हर बॉन्ड असल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन यहाँ से अपना बॉन्ड ब्रेक करता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखता है, इस तरह कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन जाता है और ये हमारे पास CO2 जो है ये इतना हिस्सा ये अलग हो जाता है, CO2 अलग होगा। अब देखें कार्बन ने यहाँ से अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया है, तो ये लेफ्ट साइड वाला कार्बन जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है, तो ये क्या बचता है CH3, यानी कि मिथाइल फ्री रेडिकल। ये एक जो है एसीटेट फ्री रेडिकल से एक मिथाइल फ्री रेडिकल निकलता है, अगर दो होंगे तो दो निकलेंगे। अब ये दो ऐसे जब मिथाइल फ्री रेडिकल मिलते हैं एक दूसरे से, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन भी इधर पेश कर देता है बॉन्डिंग के लिए, और ये वाला भी अपना इलेक्ट्रॉन जो है इधर पेश कर देता है, इस तरह दोनों के दरमियान ऐसे इथेन मॉलिक्यूल बन जाता है। कैथोड के ऊपर जैसे मैंने पहले बताया वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, वाटर रिड्यूस होता है, असल में वाटर की आयोनाइजेशन होती है, H प्लस और OH नेगेटिव होते हैं, जो H प्लस है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बनाता है और OH नेगेटिव आयोन ऐसे ही रहते हैं, तो अब जो K प्लस यहाँ पर था और OH नेगेटिव ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। ऐसे कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड की जो सिंथेटिक एप्लीकेशन की एक लिमिटेशन है वो ये है कि इसमें साइड प्रोडक्ट आप देखें, अगर आप ओवरऑल रिएक्शन देखें तो साइड प्रोडक्ट काफी सारी बनती है। ओवरऑल रिएक्शन जरा देखते हैं, ओवरऑल में हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, जो लेफ्ट साइड और राइट साइड पर होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये देखें ये कैंसिल इसके साथ, ये वाला इसके साथ, मिथाइल फ्री रेडिकल इसके साथ, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ, OH नेगेटिव इसके साथ, K पॉजिटिव इसके साथ, तो फिर ओवरऑल इक्वेशन क्या बनी, पोटेशियम एसीटेट और वाटर लेफ्ट साइड पर। अब जब आप ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे फिर आप एरो के ऊपर ये वाला लफ्ज इलेक्ट्रोलिसिस का जरूर लिखेंगे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोलिसिस नहीं ना करते तो सिर्फ ये आयोनाइजेशन है और कुछ भी नहीं है, तो फिर आप एरो के ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस लिखेंगे। राइट साइड पर आप देखें जो मेजर प्रोडक्ट है हमारी वो अल्केन बन गई है, प्लस जमेगा फिर है बाई प्रोडक्ट का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन भी है, तो आप देखें इस वजह से साइड प्रोडक्ट काफी सारी हैं, उनकी सेपरेशन के अलग इश्यूज हैं, इस वजह से इसकी सिंथेटिकली इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड जिनमें आपने पढ़ा था कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, एल्डिहाइड भी कार्बोनाइल कंपाउंड में आता है, कीटोन भी। एल्डिहाइड में कार्बोनाइल कार्बन की एक साइड पर हाइड्रोजन होती है और कीटोन में कार्बोनाइल कार्बन की दोनों साइडों पर अल्काइल ग्रुप होते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन जब ये रिड्यूस होते हैं, अगर कीटोन है तो वो हम आगे देखते हैं एग्जांपल में मिथाइलिन ग्रुप में तब्दील हो जाता है, और अगर एल्डिहाइड है तो वो
मिथाइल ग्रुप में तब्दील हो जाता है रेस्पेक्टिवली, यानी कि बिलतरतीब कीटोन मिथाइलिन ग्रुप में कार्बोनाइल ग्रुप तब्दील होता है और वही कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड का मिथाइल ग्रुप में तब्दील होता है। कीटोन की रिडक्शन को हम क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं और एल्डिहाइड की रिडक्शन को हम वोल्फ्किशनर रिडक्शन कहते हैं। तो फार्मर केस यानी कि पहले केस जो कीटोन का केस है उसमें कीटोन, ये देखेंगे मैंने कीटोन के सारे रेड कलर में लिखे हैं कि कीटोन रिड्यूस हो रही है और कार्बोनाइल ग्रुप जो है जिसका मिथाइलिन में तब्दील हो रहा है और ये क्लेमेंसन रिडक्शन कहलाता है और कीटोन रिड्यूस होता है अल्केन के अंदर किस कैटलिस्ट के जरिए, जिंक अमलगम जिंक मरकरी अलॉय होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जबकि लेटर केस दूसरा केस ग्रीन वाला है जिसमें एल्डिहाइड जिसका कार्बोनाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप में तब्दील होता है और ये रिडक्शन कहलाती है वोल्फ्किशनर रिडक्शन। तो इसमें एल्डिहाइड के लिए हम क्या करते हैं, अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजीन N2H4 यूज करते हैं, किसकी मौजूदगी में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एसीटोन है, तो इसमें आप देखेंगे ये जो हमने पहले पढ़ा है कि कार्बोनाइल कार्बन जो है ये रिड्यूस हुई है किसमें, CH2 में, मिथाइलिन ग्रुप में। नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहते हैं, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बन जाता है, जिंक अमलगम और HCl, यहाँ पर हाइड्रोजन आपने एटॉमिक फॉर्म में लिखनी है। और ये देखें ये एल्डिहाइड है जिसमें कार्बोनाइल कार्बन की एक साइड पर हाइड्रोजन लाजमी है, तो इसमें कार्बोनाइल ग्रुप ये कार्बन किस में तब्दील हुई है, मिथाइल ग्रुप में। एल्डिहाइड में मिथाइल ग्रुप में चेंज होती है और कीटोन में मिथाइलिन CH2 ग्रुप में। इसके लिए आपने ये हाइड्रोजीन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और टेम्परेचर जेन में रखना है। पांचवा नंबर है फ्रॉम ग्रीन वाटर एजेंट, जिसमें अल्काइल हेलाइड का हम रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ किसकी मौजूदगी में, एनहाइड्रस ईथर। एनहाइड्रस होता है ड्राई ईथर जिसमें कोई वाटर ना हो, क्योंकि ग्रीन वाटर एजेंट जो बनेगा वाटर के साथ बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये मैग्नीशियम मेटल के साथ जो है ये जब रिएक्शन करवाएंगे अल्काइल हेलाइड, तो अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड बनेगा और इसको हम बोलते हैं ये क्या है, ग्रीन वाटर रिएजेंट। तो ये ग्रीन वाटर रिएजेंट जो है अगर वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें या डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवा दें तो हम अल्केन हासिल कर सकते हैं। पहले यहाँ पे हम ये देखना चाहेंगे कि ग्रीन वाटर रिएजेंट बनता कैसे है। तो आप ये देखें ये हमारे पास अल्काइल हेलाइड है, हमने इसका रिएक्शन करवाना है मैग्नीशियम के साथ, इसका आपने ईथर जरूर लिखना है, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो ये बनेगा R हैंड राइटिंग पे जरा भी नहीं प्रैक्टिस हुई लेकिन आपको समझ आ जाएगी, अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। तो ये अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड को ही हम ग्रीन वाटर एजेंट कहते हैं। फार्मूला से लग रहा है कि ये कोई सिंगल कंपाउंड नहीं है, ये एक ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, अल्काइल मिथाइल इथाइल कुछ कर लें। ये हैलोजन आमतौर पर हम क्लोरीन बोरोमीन आयोडीन यूज करते हैं क्योंकि हमने पढ़ा था अल्काइल फ्लोराइड की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। तो ये इस वजह से इसका नाम मुख्तलिफ तरह से हम दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल Ca3MgBr है तो हम कहेंगे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जनरली हम इसको कहते हैं अल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड। अब हम देखेंगे कि ये वाटर या डाइल्यूट एसिड के साथ कैसे डिकम्पोज होते हैं और कैसे बनाते हैं अल्केन। ये देखें मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लिहाजा मिथाइल ग्रुप कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये H2O, ये H3 गलत गलती से लिखा हुआ है, इसको मिटा देते हैं। ये HOH वाटर लिखा हुआ है, H H H2O वाटर, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है। ये ग्रीन वाटर एजेंट के जितने भी रिएक्शन है एरो के ऊपर आपने ईथर जरूर लिखना है, तो ईथर की मौजूदगी में हम इसका रिएक्शन करवाएंगे। तो सिंपली क्या होगा, ये देखें Ca3- यहाँ से H पॉजिटिव मिला लेगा CH4, ये मेजर प्रोडक्ट मीथेन बन गई विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम एज दैट ऑफ ग्रीन डॉट रिएजेंट। और बाकी Mg+ के साथ क्या मिलेगा, OH-, Br तो पहले ही है OH-, ये माइनर प्रोडक्ट है, इसके नाम की जरूरत नहीं है।
अब अगर आप कार्बन एटम थोड़ा बढ़ा देते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की जगह आप इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेकर आते हैं, इथाइल ग्रुप है, तो इसमें भी देखें वही बात है कि ये CH3CH2 नेगेटिव, ये अपने साथ एच पॉजिटिव मिलाएगा तो CH3CH3 बन जाएगा MgBr के साथ, ये OH नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है और ये ईथर की मौजूदगी में रिएक्शन होना है। और ये H प्लस लिखने का मतलब ये है, हमने पढ़ा था कि ये वाटर के साथ भी डिकम्पोज हो सकता है और एसिड के साथ भी, तो एसिड का ये H प्लस है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ना भी लिखे तो सिंपली इसको वाटर भी डिकम्पोज कर सकता है। उम्मीद है आपको अल्केन की प्रिपरेशन की समझ आ गई होगी। इसका बेटा जो मेन आपके जिम्मे काम है वो ये है कि सिर्फ ये नहीं कि वीडियो देख लेनी और खुश हो जाना है, वीडियो देखनी है, अच्छी तरह समझनी है। आपको भेजी गई है इसी लाइव नहीं लेक्चर, ये रिकॉर्डेड इसी वजह से भेजी गई है कि अगर आपको एक दफा समझना है दूसरी दफा देख लें, तीसरी दफा देख लें, जब आपका नेट काम करे, जब आपके घर में मोबाइल अवेलेबल हो, आपकी सहूलत के लिए आप उस वक्त इसको देखें। बुक के बगैर कभी तैयारी नहीं होती और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो जितना आप लिख कर तैयार करेंगे उतनी आपकी अच्छी तैयारी होगी। बाकी आप घर पे रहें, फजूल घूमे फिरे नहीं, अपने आप को बचा के रखें, मेहनत करें। एक बात तय है कि फर्स्ट ईयर की तरह आपको ऐसे नहीं प्रमोट किया जाएगा, आपके एग्जाम होने हैं, एग्जाम की तैयारी रखें। अल्लाह हाफिज़।